हाय एवरीवन, आदाब। आज हम बनाएंगे चिकन चना दाल खिचड़ा। चिकन चना दाल खिचड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया है, जिसे हमने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और फिर हमने यहाँ पर 250 ग्राम पुलाव चावल लिया है, इसे भी हमने धो के साफ कर लिया है। यहाँ पर हमने 150 ग्राम चना दाल लिया है। ये चना दाल हमारा फूला हुआ है, हमने इसे 3 घंटे से फुला के रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया हमने। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया था, कढ़ाई अब हमारा गर्म है। हम इसमें डालेंगे ये रिफाइंड तेल। हमने रिफाइंड तेल 5 बड़ी चम्मच लिया है। आप तेल अपने हिसाब से डालें, तेल आपको खाना जितना पसंद हो। अब हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। गरम मसाले में हमने यहाँ पर लिया है ये बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, 4 से 5 लौंग, थोड़ा सा हमने काली मिर्च साबुत लिया है, और ये तेज पत्ते हमने लिए हैं। तो हम इसे डाल देंगे तेल में। और फिर हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें ये 2 बड़ा प्याज कटा हुआ, और फिर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज अब फ्राई हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे ये चिकन। फिर हम इसमें डालेंगे ये चना दाल। चिकन और चना दाल को थोड़ी देर हम फ्राई कर लेंगे। चिकन और चना दाल हमारा अच्छा से फ्राई हो चुका है। हम इसमें अब डालेंगे ये कटा हुआ टमाटर। हमने 2 टमाटर लिया है। फिर हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी चम्मच दही, 1 जायफल, जिसे हमने इसे पीस के पाउडर बना लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही डालें। एक नींबू का रस। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हम इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छा से पक जाए और ये भुना भी जाए। चिकन हमारा पक चुका है और ये मसाला भी हमारा भुना चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये 5 हरी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चावल डालेंगे, चावल को भी हमने डाल दिया है।
अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था क्योंकि पहले नमक डालने से चिकन हमारा टूटने लगता है गल के, इसलिए हमने नमक नहीं डाला था। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें चावल और चिकन दोनों के लिए। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। जितना हमारा चावल था, चावल हमारा इतना था, तो इतना ही हम दो इतना पानी डालेंगे। जितना हमारा चावल होता है उससे दुगना हम पानी डालते हैं। एक बार हम इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं इस तरह से। अब फिर हम इसे ढक देंगे और ढक के हम सबसे पहले एक उबाल आने तक पकाएंगे। खिचड़ा में अब हमारा एक उबाल आ चुका है, हम एक बार इसे चला लेते हैं। और फिर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर से हम इसे ढक के पकाएंगे। हमने खिचड़ा को थोड़ी देर मीडियम फ्लेम में पकाया है, हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं ये गला कि नहीं। ये अभी थोड़ा नहीं गला है। ये अच्छा से गल जाए इसलिए हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम में हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हमारा चिकन खिचड़ा बनके तैयार है। हम इसे एक बार चला लेते हैं चारों तरफ से अच्छी तरह से। फिर हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और हरा धनिया को हम मिला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और खिचड़ा को हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। अब यह हमारा टेस्टी चिकन चना दाल खिचड़ा बनके तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।